दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे एकदम सेहतमंद होंगे आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ अमेजिंग मील प्रेप रेसिपी शेयर करूंगी अलोंग विद दैट आई विल शेयर माय वीकेंड क्लीनिंग रूटीन आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी हेल्पफुल लगेगी सो स्टे ट्यून टिल द एंड तो आज है फ्राइडे इवनिंग मैंने अंशुल को बोला कि प्लीज़ आप मेरा शू रैक असेंबल कर दो ये एक दो दिन से आया हुआ रखा था एक्चुअली ना मैं बहुत दिन से एक अच्छा सा शूर ढूंढ रही थी जो स्लीक भी हो डिज़ाइन में और जिसके ऊपर ना na... मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिड्स हों जिसको हम कवर कर सकें तो ये शू रैक मैंने अमेजोन से मंगवाया है काफ़ी बड़ा सा शू रैक है बट इसका डिज़ाइन ना आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो मुझे तो बहुत बड़ा शू रैक नहीं चाहिए मुझे इस टाइप का बस फ़ोर कैबिनेट वाला शू रैक ही चाहिए बट मुझे विद लिड चाहिए था तो यहाँ पर मैंने फ़ोर कैबिनेट्स ही बनवाया है एंड इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है तो इन केस विंटर्स में जब हमारे बूट्स वगैरह भी रखे जाएंगे तो ईजिली इसके अंदर आ जाएंगे तो ये शू रैक ना मैं बाहर रखने वाली हूँ अपने एंट्री वे पे इसीलिए मुझे ना विद you ड चाहिए था जैसे कि एकदम से एंटर करो ना तो शूज एकदम से सामने दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते और ये कवर्ड रहते हैं तो अच्छा लगता है देखने में तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना शू रैक लगा दिया समर्स में सारे शूज बाहर रहते हैं फिर विंटर्स में जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है हम अपना शू रैक अंदर ले आते हैं कोट क्लाजेट में रख देते हैं एंड बाहर ना सिर्फ मैं अपने सीजनल जो डेली वेयर वाले फुटवेयर होते हैं वही रखती हूँ अदरवाइज जो पार्टी वेयर होते हैं और जो विंटर के शूज होते हैं वो सब बेसमेंट में ही रहते हैं तो कुछ इस तरीके से शूरक हमारा बाहर लग गया है एंड आज है संडे मॉर्निंग अभी बस ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैंने खुद शावर किया बच्चों को शावर कराया अराउंड टेन थर्टी हुआ है अभी और अब मैं लग रही हूँ घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग में एक्चुअली ऊपर वाला फ्लोर जो मेरा है बेडरूम्स एंड किड्स रूम वो क्लीन कर रहे हैं अंशुल वहाँ पे थोड़ी बहुत uh, क्लाजेट्स ऑर्गेनाइज करनी है और कापेट क्लीन करना है तो वो सब काम अंचल ऊपर कर रहे थे मैंने सोचा मैं नीचे जाके मेन लेवल की थोड़ी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ आज सबसे पहले मेरा काम था कि मैं अपने डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा न्यू लुक दूंगी थोड़ा चेंज करूंगी क्योंकि डाइनिंग टेबल बहुत मैसी हो जाती है बच्चों के साथ खाते वक्त ना वो कुछ ना कुछ तो गिराते ही रहते हैं आप कितना भी दिन में क्लीन करो डाइनिंग टेबल वाला एरिया सबसे ज़्यादा मेसी हो जाता है और मैं ना इंडिया से बहुत अच्छा एक ट्रांसपेरेंट टेबल स्प्रेड लेकर आई थी मैंने सोचा आज वही वाला मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और uh, काफ़ी लोग डाइनिंग टेबल के बारे में पूछते हैं मेरी तो ये सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल है हमने लास्ट ईयर वे फेयर से ली थी काफ़ी अच्छा uh, डाइनिंग टेबल मुझे लगा बिल्ट काफ़ी अच्छी है इसकी एंड इसमें ना बेंच स्टाइल है तो दो लोग बेंच पे बैठ सकते हैं एंड अलोंग विद डैट इसमें फ़ोर चेयर्स आती हैं और ये है मेरा ट्रांसपेरेंट टेबल स्प्रेड जो मैं लेकर आई थी इस बार इंडिया से बट जब मैंने इसको टेबल पे स्प्रेड किया ना समहाव पता नहीं मुझे क्यों ये पसंद नहीं आया मे बी टेबल का सारा लुक इसमें खराब हो गया या क्या या फिर ये थोड़ी सी मुसी मुसी सी थी इसीलिए ये अच्छी नहीं लगी फिर मैंने सोचा तो चलो इसे हटाते हैं कभी इसे आराम से बैठ के इसको पूरा स्ट्रेट करके फिर मैं इसे स्प्रेड करूंगी अभी फ़िलहाल ना मेरे पास एक बहुत अच्छा सा टेबल रनर है पहले भी मैं इसे स्प्रेड करती थी शायद आपने पहले वीडियोज में देखा भी होगा वही मैं लगाने जा रही हूँ और काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मैं होम डेकोर के आइटम्स कहाँ से लेती हूँ तो मुझे ना होम गुड्स से होम डेकोर आइटम्स लेना बहुत पसंद है वहाँ पे काफ़ी बार ना बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं तो जब भी कोई सीजन जैसे ख़त्म होता है फॉल सीज़न ख़त्म होता है तब आप फॉल की डेकोरेशन ले सकते हो समर सीज़न में आ, स्प्रिंग की डेकोरेशन ले सकते हो काफ़ी क्लियरेंस पे आपको काफ़ी अच्छा डेकोर आइटम मिल जाएगा तो यहाँ पर मैंने आ, होम गुड्स वाला ही अपना टेबल रनर लगा के थोड़ी बहुत डेकोरेशन चेंज कर दी अपने डाइनिंग एरिया की और अब बस मैं केशु की हाई चेयर क्लीन करूंगी इसकी हाई चेयर तो मैं दिन में से दो तीन बार क्लीन करती हूँ क्योंकि वो खाते वक्त ना इतना ज्यादा खाना गिराता है कि पूरी हाई चेयर बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती है और अब मैं उसको uh, क्या करती हूँ कि उसकी टेबल पे ही कुछ फिंगर फ्रूट फ्रूट्स या फूड रख देती हूँ तो वो उठा उठा के खुद से खाता है आधा गिराता है आधा खाता है बट दैट्स हाउ कैन स्टार्ट टू ईट बाय देम सो इट रियली हेल्प्स मैसी हाँ, हो जाता है काफी बट ओके okay. तो ये देखिए ये है हमारा पूरा डाइनिंग एरिया मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है अभी डाइनिंग टेबल की एक चेयर हटा रखी है बिकॉज पे हमारी हाई चेयर होती है और मैंने आपको ये डेकोर आइटम्स भी दिखाए थे जो मैं इंडिया से लेकर आई थी पहले तो मैंने इनिशियली सोचा था कि इसको मैं अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर वाले वॉल पे लगाऊंगी बट देन जब हम लोग लगाने लगे हमें रियलाइज हुआ कि ये काफी थोड़ा हैवी है हर पीस इसके लिए हमें ना नेल्स ड्रिल करनी पड़ेंगी, सो so, मैंने सोचा कि इसको कॉर्नर रैक पे लगा देते हैं यहाँ पे भी ये अच्छा लगेगा और पूरे डेकोर के साथ काफी अच्छे से जा रही है और मुझे काम करते करते काफी देर हो गई थी तो पहले मैंने सोचा केशु को कुछ खिला दिया जाए अदरवाइज एक बार बच्चे बहुत तेज भूखे हो जाते हैं ना फिर एकदम से रोना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैं उसके लिए मैंगो प्योरे बना के लाई उसको मैंगो प्योरे खिलाऊंगी आप में से बहुत सारे लोग केशु की डाइट पूछ रहे हैं उसका रूटीन पूछ रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी उसके थर्टीन मंथ्स की डाइट एंड रूटीन फिल्म कर ली है इट विल टेक मी सम टाइम टू एडिट दैट वीडियो बट डेफिनेटली बहुत ही जल्दी वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फिलहाल अब अगर आप बेबी रेसिपीज बेबी रूटीन वीडियोज देखना चाहते हैं तो एक कंप्लीट प्ले है उसमें आप जाके बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है चैनल पर आप वो देख सकते हैं तो यहाँ पे केशु का पेट भर चुका है अब वो खेल रहा है और वो भगवान के मंदिर में आके बहुत खेलता है वहाँ की सारी चीज़ें हटा देता है बट देन ठीक है वो अभी खेलेगा गोविंद अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा है उसका फ्रेंड आया हुआ है घर पे और मेरी किचन पूरी तरीके से मेस्ड अप है क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कुछ भी क्लीनिंग नहीं की थी तो अभी बस मैं लगूंगी फटाफट पहले क्लीन करूंगी उसके बाद फिर मैं कुकिंग स्टार्ट करूंगी क्योंकि ना मुझसे मेसी किचन में बिल्कुल क्लीनिंग नहीं हो पाती ये मेरा एयर फ्रायर अवन है जो बहुत दिन से क्लीन करना था मुझे बट मैं कुछ ना कुछ करके प्रोकेस्टिनेट करी थी इसीलिए मैंने आज इसे पहले क्लीन करते हैं मेरे पास ना ये बिसेल का हैंड वैक्यूम है ये मैं अपनी किचन क्लीनिंग के लिए ही स्पेसिफिकली यूज़ करती हूँ ये मैंने वॉलमार्ट से लिया था काफ़ी काम आता है जैसे नूक एरियाज होते हैं ना जहाँ पे आप हाथ से क्लीनिंग नहीं कर पाते वहां पर मैं वैक्यूम से क्लीन करती हूँ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है तो पहले आम, अंदर से मैंने वैक्यूम से क्लीन किया उसके बाद बस वेट टावल से अच्छे से पहुँच दिया और ये मेरा एयर फ्रायर रवन अच्छे से क्लीन हो गया है अब वापस से मैं इसकी प्लेट्स लगा दूंगी इसके अंदर ना हमें कुछ भी एयर फ्राई करना होता है या फिर कोई भी पिज्ज़ा वगैरह बनाना होता है तो बहुत क्विकली बन जाता है तो मैं यही वाला एयर फ्रायर ओवन यूज़ करती हूँ और किचन क्लीनिंग के लिए ना मैं एक रूल फॉलो करती हूँ जैसे वन कैबिनेट इन अ डे अगर आप एक दिन सोचोगे कि पूरी किचन को आज आपको डीप क्लीन करना है तो इट विल नेवर हैपन क्योंकि इतना टाइम निकालना बींग मॉम बहुत टफ होता है कि पूरी किचन एक दिन आप क्लीन करो तो मैं क्या करती हूँ जिस दिन भी मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम होता है लाइक टेन फिफ्टीन मिनट्स भी होते हैं ना एक कैबिनेट को लेके उसको पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ तो इस तरीके से रोटेट होती रहती है सारी कैबिनेट्स और सारी कैबिनेट इस तरीके से क्लीन रहती हूँ और देर इज नेवर अ टाइम जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूरी किचन को डीप क्लीन करना है तो आज इस वाली कैबिनेट की नंबर थी जहाँ पे मेरे सारे स्पाइसेस रहते हैं इटालियन स्पाइसेस वगैरह उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और बस आज का क्लीनिंग का, का काम खत्म अब कुकिंग पे आते हैं तो सबसे पहले आज मैं बनाने वाली हूँ चटनी क्योंकि हमारे वेजिटेबल गार्डन में बहुत सारा मिनट इकट्ठा हो गया था तो मैंने सोचा उसको भी यूज़ कर लेते हैं मैंने ब्लेंडर में डाला है थोड़े से पीनट्स उसके बाद मिंट धनिया थोड़ा सा जिंजर ग्रीन चिली और यहाँ पे मैं थ्री टेबल स्पून के करीब दही ऐड करूंगी हाफ लेमन जूस ऐड करूंगी थोड़ा सा हींग जीरा और नमक बस इसे ब्लेंड कर लेंगे और एक अच्छी सी स्प्रेड कहिए या हरी चटनी कहिए बन के रेडी हो जाएगी काफ़ी सारी बन गई थी आ, ये मैं यूजुअली वीकेंड पे बना के रख लेती हूँ एज अ पार्ट ऑफ मील प्रेप तो थोड़ी सी मैं एक इस टाइप के कंटेनर में रखूंगी जिसमें लेड है और बाकी की बची हुई मैं निकाल के बाहर रख लूंगी क्योंकि आज आलू के पराठे बनने वाले हैं उसके साथ भी काम आएगी और सेम ही ब्लेंडर में मैंने दही डाल के थोड़ा सा मिंट ऐड करके फिर से ब्लेंड कर लिया और ये मेरा मिंट रायता रेडी हो गया मैंने थोड़ी सी बूंदी भी ऐड करी है बिकॉज हमारे घर पर बूंदी का रायता सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और साथ साथ में ना जो भी बर्तन इकट्ठे होते जाते हैं वो भी मैं डिशवाशर में लोड करती रहती हूँ अदरवाइज ना एक साथ जब एंड में देखो तो पूरा सिंक भर जाता है और फिर एकदम पहाड़ जैसा वो काम लगता है और बस एक्चुअली की ऊपर की क्लीनिंग हो गई थी खत्म तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें थोड़ा हेल्प कर देता हूँ शॉपिंग वगैरह में तो यहाँ पे वो प्याज धनिया वगैरह चॉप करेंगे आलू के पराठे के लिए तब तक, तक मैं आटा गूंध के रेडी कर रही हूँ और आज एक मैं बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी भरवा मिर्ची की तो उसके लिए यहाँ पे ना मैंने आलू कल ही बॉईल करके रख लिए थे मैं उन्हें पहले अच्छे से ग्रेट कर लूंगी और बैकग्राउंड में आप देखो आटा वगैरह लग चुका है तो आटा भी पाँच दस मिनट में सेट होगा उसके बाद फिर हम पराठे भी बनाना साथ साथ स्टार्ट करेंगे और दोस्तों अगर आपको इस टाइप के लाइफ स्टाइल कुकिंग वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा योर सब्सक्रिप्शन रियली मीन्स अ लॉट टू मी सो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरे पास मिर्ची हैं जिन्हें मैं भरवा मिर्ची बनाऊंगी तो मैंने आलू जो ग्रेट करके रखा है ना उसको हाफ हाफ डिवाइड कर लिया है आधे का मैं आलू के पराठे बनाऊंगी आधे की मैं फिलिंग बना रही हूँ मिर्ची में फिल करने के लिए तो एकदम बेसिक से मसाले ऐड किए हैं धनिया जीरा पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला रेड चिली पाउडर नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर हो तो अमचूर पाउडर अदरवाइज़ आप अनारदाना पाउडर ऐड कर सकते हो इस बार जब मैं इंडियन शॉप गई थी ना तो अनारदाना पाउडर तो मुझे मिला नहीं बट ये पोमी पाउडर था मुझे लगा शायद सेम ही चीज़ होगी मैंने लिया और ये पोमी पाउडर कुछ और ही आ गया बट हाँ ये है थोड़ा टैंगी फ्लेवर का ही तो मैं इसे अनारदाना पाउडर की तरह ही यूज़ कर रही हूँ वो ऐड कर लिया अच्छे से पूरे मसाले को मिक्स कर लिया और कुछ इस तरीके से मैंने मिर्ची में से फिल कर लिया मिर्ची को ना मैंने कट किया है मतलब स्लिट किया है अच्छे से जिसमें आ आलू फिल हो जाए और फिर मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी जिससे कि ये अच्छे से सिक भी जाएगी और फिर सर्व करना भी इजी रहता है तो यहाँ पे मैंने एक तवे पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और अपनी सारी मिर्चा इसमें डाल दूँगी कवर कर दूँगी एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्लेम रखना है आपको जिससे कि आराम से धीमी धीमी फ्लेम पर सिके और इस टाइप की तवा मिर्चा या शिमला मिर्च मेरी मदर इन लॉ बहुत टेस्टी बनाती हैं तो ये रेसिपी उन्हीं की है मैंने उन्हीं से सीखी है ये और साथ साथ मिर्चा सीख रही है यहाँ पे मैं अपने आलू के पराठे भी बना के रेडी करी हूँ तो आलू की फिलिंग में ना थोड़ा सा प्याज जिंजर धनिया ये सब कुछ ऐड करती हूँ बेसिक से मसाले ऐड करती हूँ और बस यहाँ पे मैं क्या करती हूँ सारे पराठे ना धीरे धीरे करके बना के रख लेती हूँ और इतने में, में मेरा तवा गर्म होता है उसके बाद फिर मैं एक एक पराठा आराम से सेकती रहती हूँ और ये देखिए यहाँ पे मिर्चा बन के रेडी हो गई है काफी ज्यादा टेस्टी बनी थी एक बार आप ट्राई जरूर करके देखिएगा इसलिए आप ये बना के रख सकते हो इफ इन केस कभी वीक डे में आपको टाइम नहीं मिला सब्जी वगैरह बनाने का तो आप सिंपल रोटी के साथ इसे खाओगे तब भी बहुत टेस्टी लगेगी और यहाँ पे मेरे घर गरम आलू के पराठे भी बन के रेडी हो गए हैं सो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही था होप करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी अच्छा सीखा है या आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर करना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एज सेड योर सब्सक्रिप्शन रियोली रियोली अलॉट टू मी एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना फिर से मुलाकात करते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए आप टेक केयर लव यू ऑल